पीथमपुर भाजपा युवा मोर्चा के नगर कोषाध्यक्ष विक्की पटेल पर हुए हमले को लेकर सेक्टर नंबर 1 थाना पीथमपुर में ज्ञापन देकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी जल्द ही उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 में बीती रात विक्की पटेल भाजपा युवा मोर्चा नगर कोषाध्यक्ष जब अपने घर जा रहा था, तभी लवीस पटेल पिता बाबूलाल पटेल और अन्य लोगों द्वारा विक्की पटेल पर जानलेवा हमला किया, जिसकी शिकायत विक्की पटेल ने थाने पर की। पुलिस ने मामूली धारा लगाकर NCR रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर सेक्टर नंबर 1 थाना पीथमपुर पर ज्ञापन दिया। जब हमारी टीम ने मामला जानना चाहा तो सभी अधिकारी कैमरे से बचते हुए नजर आए। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। बताएं क्या घटना हुई। कल रात को मैं अपनी कार से जा रहा था अपने प्लाट पर कार रखने के लिए। नवीन पटेल उसके पापा उसका छोटा भाई चलती कार में मेरे पे हमला करा और मेरी गर्दन दबा दी और आसपास के लोगों ने उनको जैसे तैसे छुड़वाया और गाली गलौज करने लगे और बोलने लगे कि मैंने उनको बोला मैं थाने जा रहा हूँ रिपोर्ट करवाने के लिए, तो उन लोगों ने बोला कि थाने भी जाएगा तो हमारी पकड़ है और हम रिपोर्ट नहीं होने देंगे। तो क्या आपने थाने पर FIR करवाई। कल आया था मैं रात को, मैंने रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, NCR देके मुझे रवाना कर दिया। जब मैं थाने के पश्चात घर गया तो मेरे घर पे भी आए और गाली गलौज करने लगे और उसका छोटा भाई बोलने लगा। आपका नाम। विक्की पटेल, नगर कोषाध्यक्ष भाजपा में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।